महाराजा अग्रसेन की जयंती के मौके पर गढ़वा अग्रवाल समाज द्वारा एक समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर समाज कैसे एकजुट हो, समाज में कोई बिखराव ना हो, इसे लेकर तो चर्चा हुई ही, साथ ही समाज की छोटी बच्चियों के बीच में या मूर्तियों के बीच में पेंटिंग प्रतियोगिता और मेहंदी लगाव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आइए आपको हम एक खबर दिखाते हैं। सबसे पहले जो इस समारोह के मुख्य अतिथि थे, जिला परिवहन पदाधिकारी धीरज अग्रवाल द्वारा महाराज अग्रसेन के चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया, उन्हें नमन किया गया। साथ ही अब मंचासीन में लोगों को देख रहे होंगे, सारे लोगों के द्वारा एक साथ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर समारोह की शुरुआत की गई। सबके द्वारा समारोह को संबोधित किया गया और उस संबोधन के केंद्र में एक ही बात रही कि समाज जिस तरह घर में बिखराव हो रहा है, लोग एक साथ संयुक्त परिवार के रूप में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, वर्तमान गुजरते वक्त में एकल परिवार के रूप में ही रहना लोग मुनासिब समझ रहे हैं, जबकि अब पूरी तरह से गलत है। पुरातन काल में जिस तरह लोग संयुक्त परिवार में रहा करते थे, एक साथ परिवार को चलाया करते थे, लोग आपसी मेलजोल के साथ आपसी संभाव के साथ रहते थे, ठीक उसी तरह रहने के लिए ही सबके साथ से अपील की गई। साथ ही समाज में कैसे एकजुटता रहे, समाज कैसे एकजुट रहे, बिखराव ना हो, इसे लेकर सबके द्वारा चर्चा की गई। सबने इस बात को लेकर हामी भरी कि जहां तक हो सकेगा हम सबों का प्रयास एक समूह के रूप में होनी चाहिए ताकि समाज में बिखराव ना हो सके। उधर आइए आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह समाज में की छोटी बच्चियों द्वारा पेंटिंग प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया था, आप देख सकते हैं छोटी बच्चियों द्वारा किस तरह पेंटिंग बनाया जा रहा है। एक से एक छोटी छोटी बच्चियां हैं, लेकिन उनके सधे हुए हाथ जब कागज पर उनकी उंगलियां जुम्बिश कर रही हैं, तो आप बेशक देख सकते हैं किस तरह उस कागज पर चित्र उभर कर सामने आ रहा है। सब में हुनर है, कहा भी जाता है कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ हुनर होता है, सब में एक न एक कला ऊपर वाला जरूर नवाज के भेजता है, बस जरूरत है उस कला को निखारने की। युवतियों के बीच में मेहंदी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, उसे आप भी सब भी देख रहे होंगे किस तरह आज लोग मेहंदी लगवाने जाते हैं, पार्लर में पहुंचते हैं, लेकिन समाज की बेटियों के पास भी हुनर है। वह अपने हाथ से चंद लम्हों में जिस तरह छोटी बच्चियों ने कागज पर चित्र को उकेरा, ठीक उसी तरह समाज की महिलाओं द्वारा, युवतियों द्वारा मेहंदी जब अपने हाथों में रचाया गया, अपने हाथों में जब खुद से लगाया गया, ऐसे तो जब कोई मेहंदी लगाने वाला लोग या लगाने वाले प्रोफेशनल लोग जो होते हैं उनके द्वारा जब लगाया जाता है, कहा जाता है कितना नायाब मेहंदी उसके द्वारा लगाया गया है, लेकिन समाज की महिलाएं, समाज की बेटियों के पास भी हुनर है, वो भी निश्चित रूप से उसमें महारत हासिल कर सकती हैं, वो भी आगे इस क्षेत्र में बढ़ सकती हैं, बस जरूरत है इनके कला को तवज्जो देने के, इनके हुनर को और निखार देने की, ताकि इनके अंदर जो कला है वो निखर कर सामने आए और आगे चल करके पढ़ाई के साथ साथ इस हुनर से भी वो लबरेज रहे। हमारी बात भी हुई, मुख्य अतिथि से बात हुई हमारी, और जो मंचासीन विशिष्ट अतिथि जो थे उनसे भी बात हुई। सबने अपने अपनी बातों को रखा हमसे रूबरू होते हुए, यानी मीडिया से रूबरू होते हुए, उनकी बातों को आप सुनिए। और हम लोगों को ये समझना होगा कि अपना समाज जितना आदर्शतम बन सके, दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सके, अधिक से अधिक खुद से खुद अपने समाज के अतिरिक्त भी समाज के अन्य वर्ग के जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा कर सकें। और यही परंपरा, यही इतिहास भी रहा है। बड़े बड़े शहरों में जाकर के देखिएगा कि बड़े बड़े जो धर्मशाला है अग्रसेन महाराज के नाम पे, या जो हॉस्पिटल्स वगैरह बने हुए हैं, ये इस श्रृंखला को और भी आगे बढ़ाना है। और एक छत के नीचे साल भर में एक दिन ये लोग जुटते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसको
कि जो भी आयोजक मंडली के लोग हैं इनका हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने मुझे भी इसमें शामिल होने का मौका दिया है, और भविष्य में ये दिन दुनी रात चौगनी ये लोग तरक्की करें और अपने पारंपरिक व्यवसाय के अतिरिक्त जो है कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए या मेडिकल लाइन्स के लिए या अन्य भी जो इंजीनियरिंग ये जो है इंजीनियरिंग वगैरह है इन समूह के लिए भी ये लोग प्रयासरत रहें और आगे तरक्की करें, यही मेरी शुभकामना है इनके लिए। आज हमारा अग्रवाल समाज एकजुट है और हमारे जितने भी समाज के सदस्य हैं चाहे गढ़वा जिले में जिस भी स्थान पर रहते हैं हम लोगों के एक आह्वान पे मेरे समाज के सभी सदस्य यहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं और हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम ऐसे अग्रवाल अग्रकुल शिरोमणि अग्रसेन जी के वंशज हैं जिसके नक्शे कदम पे हमारा समाज आज फलीभूत चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ये पहला समाज है जो कि नॉन वेजिटेरियन का यूज नहीं करता है और हम लोग आज खाने में भी सात्विक खाना खाते हैं, प्याज लहसुन तक भी हम लोग खाने में उपयोग नहीं करते हैं। ये पहला समाज है और हम लोगों को गर्व होता है कि हम लोग इस अग्रवाल अग्रकुल में पैदा हुए हैं और मेरे समाज के लोग सेवा भाव के द्वारा अन्यत्र जगह भी कार्य कर रहे हैं, गढ़वा में भी हम लोग कार्य करते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। संस्कारवान है, आवश्यकता है इसको मेंटेन करने की। युवा वर्ग थोड़ा भटक रहा है लेकिन हम लोग उसको प्रयास कर रहे हैं कि कहीं भटकाव ना हो और हमारा अग्रवाल समाज सर्वोपरि है। सामाजिक कार्यों में पूरे वर्ल्ड में 67% जो कार्य होते हैं वो अग्रवाल समाज द्वारा होते हैं, बाकी 33% में सारे दूसरे अन्य समाज के लोग हैं। अग्रवाल समाज में जन्म लेकर हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारा अग्रवाल समाज हर तरह से सर्वोत्तम। अब हम सुनाते हैं आपको कि समाज की महिलाओं द्वारा क्या कहा गया। समाज की महिलाओं ने कहा कि हम सबों की चाहत है, हम सब एक साथ, जैसा सोशल मीडिया का दौर है तो हम सब एक साथ ग्रुप से जुड़े हुए रहते हैं, हमेशा बातें होती है। हम लोग सबकी चाहत है कि समाज में तनिक भी बिखराव ना हो और समाज एकजुट होकर रहे। सभी को एकजुट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम लोग एक स्टोरी सुने थे कि एक अकेली लकड़ी को तो हर लोग तोड़ देते हैं लेकिन जब हम लोग उस लकड़ी को जोड़ के गट्ठर बना देते हैं तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता। वैसे ही हमारा अग्रवाल समाज है, हम लोग एकजुट होकर काम करते हैं और हमारे समाज को कोई तोड़ नहीं सकता। आज के समय में अग्रवाल समाज को एक साथ चलना बहुत ज्यादा जरूरी है और हम लोग हर अग्रसेन जयंती पर आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हमेशा यही कोशिश करेंगे कि आने वाला जनरेशन भी ऐसे ही अपना योगदान दे और समाज को आगे लेके चले। धन्यवाद। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि अग्रवाल समाज द्वारा अग्रसेन जयंती के मौके पर समारोह का आयोजन किया गया था जो जिला मुख्यालय के बंधन मैरिज हॉल में आयोजित हुआ था। हम निश्चित रूप से जिस तरह अग्रवाल समाज द्वारा अपील किया गया, हम भी कहना चाहेंगे कि समाज में आज जिस तरह बिखराव हो रहा है, इस बिखराव को रोकने के लिए हर समाज द्वारा इस तरह का आयोजन किया जाता है। आयोजन किया जाता है और सबकी चाहत यही रहती है कि समाज में जो बिखराव हो रहा है उसे रोका जाए और समाज एकजुट होकर रहे। धन्यवाद।